नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्लोबल शेयर में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने कंप्यूटर का रिजोल्यूशन कैसे चेंज करेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको कर्सर दिखाई दे रहा है मेरे हाथ में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये रिफ्रेश तीर का बटन, जिसे तीर का बटन भी कहते हैं और जिसे माउस पॉइंटर भी कहते हैं, तो इसका जो है आपको राइट क्लिक दबाना है। जब राइट क्लिक आप दबाएंगे तो ये खुल जाता है, इस तरीके की टैब खुल कर आती है रिफ्रेश वाली। तो इसमें आपको जाना है यहाँ पर स्क्रीन रिजोल्यूशन पर। जब आप स्क्रीन रिजोल्यूशन पर चले जाएंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए, चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर डिस्प्ले, यानी कि यहाँ पर आप अपनी डिस्प्ले का अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपको अभी मेरी जो स्क्रीन का अपीयरेंस है वो 1366x768 पर है, तो इसे मैं अगर 800 पर कर दूंगा तो अब देखेंगे कि कैसा हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा हल्का मोटापन दिखाई देगा और क्लियरिटी थोड़ी अलग हो जाएगी। ये मैंने कर दिया है, तो अब मेरा कंप्यूटर मुझे इस तरीके का दिखेगा। ये देखिए नीचे, ये साइड में ये आइकॉन्स भी कितने बड़े बड़े हो गए हैं। अब मैं अगर इसे थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूँ तो फिर ये मुझे दोबारा यहीं पर जाना होगा आपको। आप इसे 1024 पर भी कर सकते हैं। 1024 पर करने के बाद अप्लाई कर देंगे इसे, तो आपकी जो क्लियरिटी होगी स्क्रीन की वो थोड़ी और सुधर जाएगी। कीप चेंजेस कर देंगे और उसके बाद एक है ये 1366 जो बिल्कुल हाईएस्ट है, इस पर आप ओके भी कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। अब जैसे मुझे अप्लाई करना है तो मैं इसे अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करने के बाद ये आपको दिखाएगा कि ये किस तरीके का दिखाई देगा 1366 में। 1366 में इस तरीके का दिखाई देगा। अब ये कह रहा है, डू यू वॉन्ट टू कीप दिस डिस्प्ले सेटिंग, यानी कि जो सेटिंग मैंने अभी हाल फिलहाल में की है मैं उस वही रखना चाहता हूँ या रिवर्ट। अगर मैं इसे रिवर्ट कर दूंगा तो ये पहले जैसा ही हो जाएगा, जो कि 1024 वाली सेटिंग है। ठीक, अब ये देखिए 1024 वाली सेटिंग इसमें चल रही है। तो अब मैं इसे, ये वाली सेटिंग अभी चालू है, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो ये अब देखेंगे फिर से चलकर स्क्रीन रिजोल्यूशन पर, तो 1024x768 चला चालू है। माउस का जो बीच का माउस का बटन होता है, पहिया, गोल पहिया होता है, उसे घुमाकर भी आप इसे कर सकते हैं या फिर सीधे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो फिर से वही चीज़ आएगी, यहाँ पर आप इसे फिर से क्लिक कर सकते हैं। अभी ये वेट लेगा। तो ये देखिए, रिवर्टिंग टू प्रीवियस डिस्प्ले, अगर आप रिवर्ट करेंगे तो ये सेव नहीं होगा, कीप चेंजेस करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। और आप इसे ओके का बटन दबा दीजिए। ओके का बटन दबा दिया तो अब देखिए आपकी जो स्क्रीन है हमारी वो अब पहले जैसी हो गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इसे चेंज कर सकते हैं स्क्रीन रिजोल्यूशन से जाकर। स्क्रीन रिजोल्यूशन में आसानी से आप इसे चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ग्लोबल शेयर को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके पास लेकर आते हैं कंप्यूटर की एक से एक बेहतरीन वीडियो, जिसमें हम आपको समझाते हैं आपके कंप्यूटर से जुड़ी टेक्नोलॉजी टिप्स, ट्रिक्स और न्यू न्यू सेटिंग के बारे में। हम आपके